लार्जेस्ट वेट कैटेगरी जो है 80 kg वेट कैटेगरी, इसमें आ रहे हैं 2023 के गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल लेवल, 15 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ऑल्सो इन्हें इनके स्टेट का आयरन मैन भी कहा जाता है. प्लीज वेलकम फ्रॉम किरॉक हैदराबाद धीरज सिंह. श्रेडेड धीरज के नाम से जाने जाते हैं. काफी टॉल लीन फिट बॉडी है इनकी. अपना पहला मुकाबला इस सीजन वन में खेला था 30 जुलाई को बरोड़ा बादशाह के अफसल टीपी के खिलाफ. वन साइडेड जीत लिया था उस मैच को. कॉन्फिडेंस इसीलिए इनका काफी हाई है. स्पीड इनकी काफी फास्ट है. और आ रहे हैं धीरज के अगेंस्ट इन द 80 kg वेट कैटेगरी 5 times नेशनल चैंपियन इन पावर लिफ्टिंग, 2 times Asian gold medalist. Please welcome from the Rohtak Rowdies, Aryan Kandari. 300 किलो का डेडलिफ्ट आर्यन कंदारी मार लेते हैं. 18 साल के हैं सिर्फ. 2 बार यहां लड़े हैं, 1 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं. यह है उनका 3रा मैच और आज दबदबा भारी पड़ेगा. तो अपने अर्ली मूवमेंट्स पर कंट्रोल करना होगा. पिछले मैचेस में हमने देखा काफी सारे रेफरीज ग्रिप में मूवमेंट के कारण फाउल उन्होंने किए थे और बहुत आसानी से प्रेस लगा दी है. धीरज का कहना है कि अर्ली मूवमेंट था, लेकिन विनर करार किया गया है आर्यन खंडारी को. रिव्यू ले लिया है धीरज ने तुलित रखते हुए. कामयाब रहा वो रिव्यू. रीमैच मौका, अब रीमैच, रीस्टार्ट होगा ये राउंड. और किराक हैदराबाद के चाहने वाले बहुत खुश उस रिव्यू के नतीजे से. फिर आएंगे अब आर्यन और धीरज. क्या स्लिप में लेकर जाएंगे धीरज, लंबा खींचने के लिए स्ट्रैप में पहुंचाना चाहेंगे आर्यन को. आर्यन की इच्छा सिर्फ होगी कि पहले 1 या 2 सेकंड में पिन पैड तक पहुंचाएं धीरज को. जी हाँ, वही गलती एक बार आर्यन कहीं ना कहीं फिर से करते हुए अर्ली स्टार्ट्स की. अगर अर्ली स्टार्ट था तो एक फाउल भी हो सकता है, उन्हें मिल ही चुका होगा. अब गलती नहीं कर सकते, इस बार फेयर स्टार्ट था. और एक तरफ आप देख सकते हैं आर्यन को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए क्योंकि फाउल पर हम किसी भी राउंड को हारना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर. यहाँ फिर से स्ट्रैप में आर्यन और धीरज. शोर बढ़ रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली तैयार है. आर्यन कंदारी, धीरज सिंह, कोच वसेल यहां पर कह रहे हैं और शोर करिए. क्या यहां हाई हुक, बाइसेप की ताकत. दारा सिंह कह रहे हैं शोल्डर को सही रखिए, स्क्वायर रखिए, सेंटर बनाए रखिए. आर्यन के लिए इन बारीकियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी. सिर्फ 18 साल के हैं दारा, वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं. समझा रहे हैं आर्यन को center. वो पिछली गलतियां नहीं रिपीट करें. डोंट मूव. दोनों के शोल्डर्स बिल्कुल स्क्वायर होने चाहिए, आमने सामने बराबर होने चाहिए, सेंटर बराबर होना चाहिए. डोंट मूव. एक बार फिर से शुरुआत के काफी करीब. प्रेस लगाने की कोशिश की लेकिन आसानी से रोक दिया धीरज ने, जो उनके फोरआर्म की लेंथ है उसकी बदौलत काफी आसानी से आर्यन की प्रेस के ऊपर से अपने हाथ को टॉप रोल करके निकाला. कोई भी दूसरे राउंड का ऐलान. क्या कोई तकनीक में बदलाव करेंगे? उनकी स्पीड को तो रोक दिया था धीरज ने स्ट्रैप्स में. क्या बिना स्ट्रैप्स के एक बार फिर से कोशिश करेंगे प्रेस लगाने की? आर्यन के लिए यहां अपनी रणनीति बदलना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी लेना बहुत जरूरी. फाउल्स की कोई गुंजाइश नहीं है इस समय पर.
बड़े मंच पर वो जीत चुके हैं, इस तरह के दबाव को वो झेल चुके हैं, नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन रह चुके हैं 3 साल लगातार। आर्यन को बस अपने आप पर भरोसा रखना होगा अगर यहां वापसी करना चाहते हैं। स्लिप में खुद को डाल रहे हैं। इस बार भी आर्यन थोड़ी कंप्लेन रेफरी से करते हुए किसी अर्ली मूवमेंट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपना एक रिव्यू वो गवा चुके हैं। और अगर रिव्यू अनसक्सेसफुल आपका होता है उसके बाद उस मैच में आपको और आपकी टीम को कोई भी रिव्यू दोबारा से नहीं मिलता। आर्यन को भी चाहिए कि अपनी उस फ्लॉप रिस्ट प्रेस में काफी जल्दी से जाएं और उस एंगल को अपने शोल्डर की मदद से ब्लॉक कर दें ताकि धीरज टॉप रोल करके वापस उनके हाथ को खोल ना पाए। पिन पैड के बहुत पास ले जाना होगा आर्यन को। इस मैच को शोल्डर्स देखिए, आर्यन ने पहले से अंदर की ओर घुमा रखे हैं जिससे कि उस प्रेस में आसानी हो। रेफरी स्टार्ट तो नहीं करने देंगे इस पोजीशन में। देखिए शोल्डर्स को भी स्ट्रेट कर दिया है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि रेडी गो के एकदम पास उस शोल्डर को घुमा के वो प्रेस टेक्निक लगाई जाए। जब हम टॉप रोल खेलते हैं तो शोल्डर्स पीछे की ओर जाते हैं, लेकिन जब हम हुक या प्रेस गेम खेलते हैं तो शोल्डर्स आगे की ओर घूमते हैं। वो ही टेक्निक एक बार फिर से कोशिश की, ब्लॉक कर दिया है थोड़ा इस बार। देखते हैं क्या रणनीति थी। एक फाउल आर्यन को मिला है, उनके हाथ शोल्डर से टच हो गए थे जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए फाउल मिला है। रेफरी बता रहे हैं कि अभी खुशी मत मनाओ धीरज, अभी पिन नहीं मिली है आपको, रीस्टार्ट होगा ये फाउल के बाद ये मुकाबला। साइड से बहस जारी है, काफी जरूरी, काफी अहम है आर्यन के लिए। मेन रेफरी ने कहा धीरज सिंह आप विजेता हैं इस दूसरे राउंड के। दूसरे राउंड की शुरुआत हो रही है। आर्यन को कुछ ना कुछ तकनीक। चैलेंजर राउंड एक्टिवेट किया है धीरज सिंह ने। बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि आर्यन कंदारी के सामने इस तरह से एक्टिवेट करने के लिए बेखौफ होना पड़ता है किसी भी खिलाड़ी को। अब 10 सेकंड्स होंगे धीरज सिंह पास आर्यन को पिन करने के लिए, और अगर उन्होंने ऐसा किया 6 पॉइंट सीधा धीरज के नाम। लेकिन आर्यन कंदारी ने अगर यहां 10 सेकंड तक रोक के भी रख लिया धीरज को तो 5 पॉइंट जीत लेंगे, और जीत गए अगर आर्यन 10 सेकंड के अंदर तो 6 पॉइंट आर्यन जीत लेंगे। तीसरा राउंड आर्यन कंदारी के पास मौका, लेकिन धीरज पास 10-0 की जीत हासिल करने का मौका। बहुत मुश्किल हो सकता है आर्यन को 10 सेकंड तक ये मैच रोकना। इस बार स्ट्रैप्स में मैच स्टार्ट होगा तो स्लिप पाने की उन्हें जरूरत नहीं। कंधों को सीधा रेफरी जरूर करेंगे। अभी आर्यन ने अपना राइट शोल्डर घुमाया हुआ है, यहाँ पे फाउल की गलती नहीं कर सकते। कोई छोटी मिस्टेक की तो रेफरी वार्निंग दे देंगे, लेकिन अगर ज्यादा ही कुछ मूवमेंट किया तो सीधा फाउल भी मिल सकता है और सीधे के सीधे वो 6 पॉइंट चले जाएंगे धीरज को बिना रेडी गो के। ये चीज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी रोहतक राउडीज की टीम में। फाउल से ये मैच बिल्कुल भी नहीं हारना चाहेंगे आर्यन। किराग को तो वो 6 पॉइंट चाहिए चाहे वो कैसे भी आए। देखिए आर्यन के शोल्डर एकदम तैयार हैं, वो एक तेज प्रेस लगाने के लिए। क्या धीरज का टॉप रोल उस एंगल को ब्लॉक कर पाएगा? बहुत ही टेंस सिचुएशन बनी हुई, प्रेशर आर्यन पर। यहां से पूरा मैच का रुख पलट सकते हैं अगर रोक लेते हैं धीरज को तो। फर्स्ट वार्निंग मिली है धीरज को, उनकी टीम रिव्यू के लिए बोल रहे हैं। गिराक हैदराबाद का कहना है कि मूवमेंट जो है आर्यन ने पहले किया था, लेकिन रेफरी का मानना कुछ और, कोई रिव्यू यहां पर नहीं लिया गया। एक वार्निंग धीरज को मिल गई है, थोड़ा केयरफुल यहां पर रहना होगा। और टॉप रोल कर दिया है, अभी किंग्स मूव की तरफ गए और पिन कर दिया है धीरज ने।
क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, वो फ्लॉप प्रेस काम नहीं आई आर्यन की, जीत लिया है ये चैलेंजर राउंड धीरज ने। कॉन्फिडेंस देखिए, और विजेता है ना सिर्फ 3-0 से बल्कि 10-0 से। इस मैच का रिजल्ट अपनी टीम के फेवर में लेकर गए हैं, बाइसेप्स फ्लेक्स करते हुए, अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए। इस धमाकेदार जीत के साथ 10 पॉइंट किराग हैदराबाद लेते हैं और सीधा 107 पर पहुंच चुके हैं, जो है टॉप पोजीशन। अब मुंबई मसल, रोहतक राउडीज, किराग हैदराबाद, तीनों टीम्स 107 पॉइंट्स पर हैं। कमाल का कंपटीशन यहां नजर आ रहा है। और